नमस्कार, स्वागत है आपका सतहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिनभर की तीन बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की खबर में सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई है। क्या कुछ हुआ दिन भर में उसके बारे में आपको बताएंगे और क्या रास्ता निकला है या नहीं निकला है उसके बारे में भी आपको सारी खबरें बताएंगे। हमारी दूसरी खबर है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही कोवैक्सीन की एक डोज लगाई थी, जिसमें कि कोवैक्सीन की दो डोजेज हर मरीज को दी जाती है। उन्होंने पहली डोज लगाई थी और पहली डोज लगाने के बाद आज वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस खबर के क्या मायने हैं, लोगों के मन में क्या डर है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी खबर है आसाम के एक बजरंग दल के नेता ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उनका यह कहना है कि शिलांग में मंदिरों को बंद किया जा रहा है और इसलिए अगर अब हिंदूज चर्च जाएंगे और क्रिसमस के सेलिब्रेशंस को अटेंड करेंगे तो उन हिंदुओं को बुरी तरह से पीटा जाएगा। इस खबर के क्या मायने हैं, इसका एनालिसिस भी आपको करके बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। तो चलिए बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज 10 दिन हो गए हैं इस किसान आंदोलन को, लेकिन जो सरकार अभी तक एक अड़ियल सरकार नजर आ रही थी, कम से कम उस सरकार ने आज बातचीत का रास्ता खोला है। आज ये एक हफ्ते में ये तीसरी दौर की बातचीत है और अभी जो जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूं तो अभी तक की इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि आज भी किसानों ने सरकार की तरफ से दिया खाना तो मना किया ही, साथ में आज वो अपनी पानी की बॉटल्स तक विज्ञान भवन में लेके गए ताकि उन्हें सरकार के द्वारा दिया गया पानी ना पीना पड़े। उसके बाद खबरें ये भी अभी आ रही हैं कि सरकार संशोधन करना चाहती है। अब आपको बता दें कि जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी इन किसानों की, तो उसमें ये कहा गया था कि उनके पास 37 इश्यूज को लेकर किसान सरकार के पास गए थे। उन्होंने कहा है कि 37 इश्यूज उनके हैं और वो 5 अमेंडमेंट से नहीं मानेंगे। यानी कि किसानों का साफ कहना है कि वो किसी चीज पर भी राजी नहीं होंगे सिवाय इसके कि ये तीनों कृषि कानून वापस लिया जाए। अब आपको बता दें कि किसान तो संवेदनशील है ही, लेकिन इस समय सरकार की भी बत्ती एक तरीके से गुल हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बातचीत कर चुके हैं। आज भी अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर गए थे, उस पर बैठक हुई। और बैठक में ये भी हुआ कि, और जो बातें अभी छन छन कर सोर्सेस के थ्रू आ रही हैं, कि गवर्नमेंट अभी भी, सरकार अभी भी नेगोशिएट करना चाह रही है इन किसानों के साथ। और कुछ ऐसी बातें भी पता चल रही कि हो सकता है एमएसपी पर किसी तरीके का एक रिटर्न एश्योरेंस दिया जाए और भी कई कमोडिटीज को एमएसपी की लिस्ट में शामिल करने की बात अभी सोर्सेस के हवाले से सुनने में आ रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अभी भी, जब तक कि मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूं, गतिरोध अभी भी लगता है बना हुआ है, क्योंकि किसान बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो अमेंडमेंट से यानी कि संशोधन से नहीं मानेंगे, कृषि कानून को वापस लेना होगा। लेकिन सरकार कृषि कानून को वापस लेना नहीं चाहती है और वो अब सरकार, ये किसान ये भी कह रहे हैं कि आप नए कानून कृषि के बनाइए और क्योंकि आपने हमारे से कोई बातचीत नहीं की, तो सरकार इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि वो नए कृषि कानून लाए या ये तीनों कानून को वापस लिया जाए। तो अब एक गतिरोध की स्थिति इस समय बनी हुई है। आज आपको बता दें कि जितने भी बॉर्डर्स पर किसान आज लाखों की संख्या में है, उनका खाना, और खासकर जो ये किसान जो विज्ञान भवन में मिलने गए हैं, इन सारे किसानों जो 35 किसानों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका खाना गुरुद्वारा बंगला साहिब से आ रहा है। उधर बॉर्डर पर आप देखिए तो गांव-गांव से औरतें जाकर इन किसानों के समर्थन में उनके बर्तन धो रही हैं, उनको खाना दे रही हैं। तो इस तरीके का एक बड़ा समर्थन इस समय किसानों के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि किसान अन्नदाता माने जाते हैं और आज सबको कहीं ना कहीं इस बात की फिक्र है कि इन अन्नदाताओं के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। तो अब ये बीच का रास्ता कैसे ये सरकार निकालती है, क्योंकि सरकार वापस
कृषि कानून को लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा कि अमेंडमेंट से भी यहां पर बात नहीं बनेगी, और सरकार लेकिन अमेंडमेंट्स के लिए या कंसेशंस के लिए इन कानूनों में तैयार है, जिसके लिए किसान नहीं तैयार है। तो गतिरोध बना हुआ है। अब बीच का रास्ता कितने बजे निकलता है या नहीं निकलता, लेकिन अगर नहीं निकलेगा तो किसानों का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि वो एक लंबे समय के लिए उन्होंने प्रदर्शन करने की सोच रखी है और 8 दिसंबर को वो भारत बंद भी करेंगे। तो अब ऐसे में सरकार बातचीत करती है, बातचीत से क्या निकलता है उस पर निगाहें टिकी होंगी। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की। इस समय आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे दुनिया में कोविड वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, और खासकर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में खुद की वैक्सीन, यानी कि भारत खुद एक वैक्सीन बना रहा है जिसे हम कोवैक्सीन कहते हैं, उसका क्लिनिकल फेज जो ट्रायल है वो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज पूरा हो चुका है। और आपको ध्यान होगा कि 20 नवंबर को हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने खुद इस कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई थी। अगर आप वैक्सीन के प्रोटोकॉल्स को देखें, भारत बायोटेक की और आईसीएमआर के कोलैबोरेशन में जो ये कोवैक्सीन बनाई जा रही है भारत में, इसमें कहा जाता है कि हर मरीज को 2 डोजेज लेनी पड़ेगी। तो स्वास्थ्य मंत्री जो हरियाणा के हैं अनिल विज, उन्होंने पहली डोज ली और आज वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अंबाला के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें और हमसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि अभी कल ही एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कहा है कि टीकाकरण को लेकर क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, वैक्सीन की कितनी कीमतें होंगी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन अब ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही हफ्तों की बात है और टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो एक ऐसे समय में जब लोग बेसब्री से उस वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, तो एक ऐसी खबर आती है कि जिस स्वास्थ्य मंत्री को इस कोवैक्सीन की पहली डोज दी थी वो कोरोना संक्रमित पाए गए, तो लोगों के मन में डर, लोगों के मन में भय अब बैठ गया है कि कितनी कारगर ये साबित होगी बायोटेक की वैक्सीन। आपको बता दें कि अभी हाल में ही एक और कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक वॉलंटियर ने, जिसने कि वॉलंटियर किया था और उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, तो उसने कहा था कि वैक्सीन देने के बाद उसकी आंखों से दिखना बंद हो गया था, उसको एक एबनॉर्मल बिहेवियर उसके अंदर दिखा। उसने 5 करोड़ का दावा भी किया, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उस पर 100 करोड़ के मानहानि का दावा किया है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन से जुड़ी हुई सारी खबरें सिर्फ इस तक ही सिमट गई हैं कि नहीं वैक्सीन आने वाला है और बहुत जल्दी टीकाकरण शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो आज इस वैक्सीन के खिलाफ हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वैक्सीन के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप इस वैक्सीन को लगाओगे और आप कोरोना से ठीक हो जाओगे। WHO के जो हेड है टेड्रोस, उन्होंने ये कहा ही है कि वैक्सीन कोरोना का इलाज नहीं हो सकता, और एक बार नहीं, उन्होंने कई बार इस बात को कहा है। तो क्या वैक्सीन वाकई में कारगर एक उसका निवारण है कोरोना का? इस पर अभी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन इतना कोरोना फटीग हो चुका है, लोग कोरोना से इतना थक चुके हैं कि सबको लग रहा है कि कोरोना की वैक्सीन ही एक संजीवनी बूटी है उनके लिए, और जैसे ही वो आएगी तो उसको लगाते ही कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि उस वैक्सीन को लगाने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल पर वो वैक्सीन डिफरेंटली रिएक्ट करेगी। और आपको बता दें कि ये अनिल विज की जो खबर आई है, उसके बाद भारत बायोटेक ने इस बात को कहा है कि कोवैक्सीन के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो 2 डोजेस पर बेस्ड है, और 2 डोज खत्म होने के बाद 14 दिन के बाद हम ये बता सकते हैं कि वो वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है, यानी कि वैक्सीन की एफिकेसी सेकेंड डोज देने के बाद हम 14 दिन इंतजार करते हैं और फिर उसके बाद वैक्सीन की एफिकेसी बताई जाती है कि वैक्सीन कारगर साबित हुई है नहीं है साबित हुई। तो अनिल विज के केस में भारत बायोटेक का यह कहना है कि क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री को एक ही डोज दी गई है, तो यह कहना गलत होगा कि इस वैक्सीन के चलते वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन इस खबर में सब्सटेंस हो या ना हो, लेकिन लोगों के मन में डाउट जरूर बैठ गया है। जैसे कि जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की खबर आई थी कि उन्होंने मानहानि का दावा किया है 100 करोड़ का उस वॉलंटियर के ऊपर, तो उसके बाद भी लोगों के मन में डाउट्स था।
अभी ये जो सेकंड स्टोरी अनिल विज की आई है, इसके बाद में भी लोगों के मन में डाउट है। और एक जैसी मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी लॉबी है जो ये कह रही है और इस बात को एडवोकेट करती है कि वैक्सीन ही कोरोना का इलाज नहीं है, क्योंकि हर वैक्सीन डिफरेंटली रिएक्ट करता है। और इस वैक्सीन के बारे में तो ये बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन की जो इंट्रिंसिक क्वालिटीज हैं वो ऐसी हैं कि वो आपके जीन को बदल देंगी। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट इस बात को कह रहे हैं। तो कितनी इफेक्टिव होगी, किस इंडिविजुअल पर वो कैसी रिएक्ट करेगी, ये मुश्किल है। लेकिन अनिल विज की खबर ने लोगों के मन में एक बार फिर से डर और भ्रम जरूर पैदा कर दिया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं तीसरी खबर की ओर चलती हूं। आइए अब तीसरी खबर की ओर चलते हैं। और अभी इतने दिनों से हम लव जिहाद की खबरें सुन रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमान जो लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को गुमराह करते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं। और पूरा यही एक बिंदु बन चुका है लव जिहाद के कानून का, जितने भी राज्य लव जिहाद को लेकर आ रहे हैं। अब एक नई राग अलापी है एक बजरंग दल नेता ने, और ये बजरंग दल के जो नेता है वो असम के कचार डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि शिलोंग के मंदिर को बंद किया जा रहा है, इसलिए अगर वो ये देखेंगे कि शिलोंग में कोई हिंदू इस क्रिसमस पर चर्च जाता है तो उस हिंदू को बुरी तरह से पीटा जाएगा। ये शख्स कौन है, इनका मैं आपको नाम बताती हूं। ये जनरल सेक्रेटरी है, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है बजरंग दल के, मीठू नाथ। तो मीठू नाथ जी ये कहते हैं कि उनको बहुत गर्व है इस बात का कि वो हिंदू लड़कियों की रक्षा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि प्रेस इस बात को गलत तरीके से पोर्ट्रे करेगा। उन्होंने कहा है कि हम घुसकर लोगों को मारेंगे, उन हिंदुओं को मारेंगे जो कि चर्च जाकर क्रिसमस सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेंगे। और उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि प्रेस हमारे बारे में क्या हेडलाइंस लिखता है और क्या लिखेगा 26 दिसंबर को। वो यही लिखेगा कि जो बजरंग दल के गुंडे हैं वो ओरिएंटल स्कूल में गए, वहां पे उन्होंने तोड़फोड़ की, लोगों को मारा पीटा। तो मीठू नाथ का ये कहना है कि ऐसी खबरों से वो विचलित नहीं होते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो गर्व महसूस करते हैं क्योंकि अगर हिंदू लड़कियों को कोई छेड़छाड़ उनसे करेगा या उनको हाथ भी लगाएगा तो वो गुंडा अपने आप को कहलाना ज्यादा बेहतर समझेंगे। इस बात को मीठू नाथ ने कहा है। अब ये पूरा मामला आपको बता दें कि शिलोंग में एक विवेकानंद कल्चरल सेंटर है जहां पे कि स्टूडेंट्स को बहुत ही कम रेट में एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इस विवेकानंद कल्चरल सेंटर में एक मंदिर है, एक लाइब्रेरी है, और उस विवेकानंद कल्चरल सेंटर को हालांकि कारण नहीं पता है लेकिन वो बंद कर दिया गया है। लेकिन बजरंग दल के लोगों का कहना है कि कल्चरल सेंटर को बंद नहीं किया गया बल्कि मंदिर को बंद किया है। लेकिन अगर आप वहां के मिशनरी और जो महाराज जी हैं उन्होंने प्रेस से बातचीत में इस बात को कहा है कि मंदिर नहीं बंद हुआ है और ये गलत खबरें हैं, मंदिर वैसे का वैसे ही है, कल्चरल सेंटर बंद हुआ है। तो खबरों का तोड़ मड़ोड़ किस तरीके से हुआ है, इस महाराज ने अपने क्लैरिफिकेशन में इस बात को कहा है। लेकिन बात यहां पर गौर करने वाली इस बजरंग दल नेता की है कि किस तरीके से वो हिंदुत्व का एजेंडा चला रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि वो बार बार इस बात को, मीठू नाथ कहते हैं कि जो हिंदुत्व ग्रुप है वो इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि लोग उन्हें गुंडा बोले, क्योंकि हिंदुओं की रक्षा करना उनका काम है, उनका अधिकार है, तो इस हक से वो बोलते हैं। और बार बार उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू लड़कियों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो वो उसको बख्शेंगे नहीं, भले ही उनको कोई गुंडा बोले। तो ये हिंदुओं की गुंडागर्दी नहीं तो और क्या, आज इतना शह बजरंग दल को क्यों मिला हुआ है? कहीं ना कहीं उनको केंद्र सरकार का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं उन्हें आरएसएस का सपोर्ट है, इसलिए आज वो इतनी निडरता से और आगे बढ़कर और इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। और वो भी एक ऐसे देश में जिस देश में संविधान का हवाला दिया जाता है, जिस देश में हम टॉलरेंस की बात करते हैं, हम जिस देश में ये बात करते हैं कि सहिष्णुता है सारे धर्मों की और किसी भी धर्म में लोग अब किसी भी अपने इच्छा से कोई भी धर्म चाहे तो लोग धर्म मान सकते हैं, किसी भी इच्छा से अपने धर्म के किसी या किसी धर्म के बाहर से के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रावधान हमारे संविधान में मौजूद हैं। और इसीलिए हम एक सेक्युलर नेशन कहलाते हैं, एक ऐसा देश जहां पर हर धर्म के लोग प्यार से और सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते हैं। अब आप ये देखिए कि कितने सालों से एक प्रथा चली आ रही है कि हिंदूज चर्चेज में जाते हैं,
क्रिसमस मनाने, मुसलमानों के घर में हिंदूज जाते हैं ईद मनाने, गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं और आज एक बजरंग दल ऐसी आउटफिट जो कि एक दक्षिणपंथी आउटफिट है और जिसको पूरा सहयोग कहीं ना कहीं सरकार का है, कहीं ना कहीं आरएसएस का है और इसलिए आज वो इस दबंगई से कहता है कि अगर हिंदूज चर्च में जाएंगे तो उन हिंदुओं को पीटा जाएगा। तो ऐसी सेनाओं का आप क्या करेंगे? ये हिंदू सेना, जिस तरीके की ये हिंदू सेनाएं अब आ रही है सामने, ये मिठू नाथ जैसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेगा या उनको इस तरह से छोड़ दिया जाएगा? ये क्या, या ज्यादा से ज्यादा पार्टी ये कहेगी कि पार्टी अपने आप को डिस्टेंस कर लेगी इनके स्टेटमेंट से? लेकिन इस पर, मिठू नाथ जैसे लोगों पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? इनसे कोई सवाल आज क्यों नहीं पूछता कि ये ऐसे स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं? तो आज गौर करने वाली ये बात है कि किस तरीके से जो हिंदुत्व का एजेंडा है, चाहे वो आज योगी आदित्यनाथ हो जो कि ये कहते हैं कि उनकी जो हिंदू युवा वाहिनी है, कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यूपी पुलिस ने जाकर एक मुसलमान लड़के और एक हिंदू लड़की की शादी रोक दी, ये कहते हुए कि उनके पास अथॉरिटीज का परमिशन नहीं है, तो शादी बीच में रोक दी। यहां पर आज देखिए, वो हिंदू युवा वाहिनी ने कंप्लेन की थी पुलिस को, जिसके बाद वो एक्शन यूपी में हुआ। अब आज देखिए कि बजरंग दल के मिठू नाथ जी ये कहते हैं कि जो हिंदू चर्च में जाएंगे उनको वो पीट डालेंगे, भले ही आप गुंडा कहिए। तो ये अपनी मनमर्जी की चलाने वाले ये कौन लोग हैं? इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को इनसे पूछना चाहिए। आज ट्रोल आर्मी, जो ट्रोल आर्मी इंटरनेट की है, आज ऐसे लोगों पर क्यों शांत है? क्यों नहीं मिठू नाथ आज ट्रोल हो रहे हैं? अगर आज कोई कुछ और कह देता है तो आप ट्रोल हो जाते हैं। तनिष्क का एड पर आप ट्रोल पर तनिष्क का एड विड्रॉ कर लिया जाता है। उसके बाद भी कितने एग्जांपल्स हैं कि ट्रोल आर्मी किस तरीके से आपको मजबूर कर देती है कि जो आप चीज कह रहे हैं या बोल रहे हैं या आपने उसको दिखाई है, आप उसको विड्रॉ करिए, आप उससे पीछे हटिए। लेकिन मिठू नाथ जैसे लोगों को ना कोई ट्रोल करता है ना उनसे कोई सवाल करता है। यही इस समय देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण एस्पेक्ट है। लेकिन सवाल वही है कि मिठू नाथ से कौन पूछेगा? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? इस पर गौर करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की एजेंडा की तीनों खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप बने रहिएगा satyahindi.com पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।